दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अमोल जाधव। तो दोस्तों, आज हम आए हैं ऐरोली पे। एक युवक ने लॉकडाउन में एक फिश का बिजनेस चालू किया था, जो कि एक्वीरा फिश सेंटर करके पहचाना जाता है। और आप मेरे पीछे ये कमाल देखते रहेंगे, क्योंकि दीवा गांव कोईवाड़ा यहाँ पे है। तो आपको आना रहेगा तो ये कमाल देख लीजिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक्वीरा फिश सेंटर। चलिए, 1140 ग्राम, 560, 360। और सीधा जाओगे तो वो रोड वाशी के लिए जाता है, राइट में वाशी के लिए जाता है और लेफ्ट में मुंबई के लिए जाता है। यहाँ से ही अंदर आते ये दीवा गांव की कमान है। और ये दीवा गांव से हम लोग जब अंदर जाते हैं तो वहीं पे वो फिश सेंटर है जहाँ पे आज हमें जाना है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज एक्वीरा फिश सेंटर। ये मैकडॉनल्ड के सामने ही ये दीवा गांव का कमान है जहाँ पे हमें जाना है। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखिए एक्वीरा फिश सेंटर। जो कि एक मराठी लड़के ने लॉकडाउन के टाइम इसे चालू किया था। तो एक्सप्लोर करते हैं एक्वीरा फिश सेंटर, मिलते हैं यहाँ के मालिक से, यहाँ का जो ओनर है उससे हम लोग बात कर दें। चलिए, तो दोस्तों हम लोग अभी एक्वीरा फिश सेंटर के जो ओनर है, यंग बिजनेसमैन ही है, इन्होंने ये बिजनेस चालू किया। चलिए उनसे बात की करते हैं। हाय दादा, आपका नाम बताइए पहले दादा। भवनीश मड़वी नाम है। नाम है भवनीश मड़वी। तो दादा, ये कितने साल से आपने ये बिजनेस चालू किया? ये हो गया दो तीन साल होने आया है। दो तीन साल होने आए हैं। और ये आपको मैंने पूरा वीडियो भी दिखाया है, देखिए ये जो पूरा सेटअप है, ये ढाई से तीन साल हो गया है दादा ने इसको पूरा सेट किया हुआ है। चलिए पूछते हैं दादा को ये आइडिया कैसे आई। दादा, ये आपने क्यों चालू किया और ये करने के पीछे आपका मतलब आपको यही क्यों करना था? यही मतलब हम लोग कोली लोग हैं, अगर ये कोली है हम लोग को, यही धंधा हम लोग का ये है। ओके। तो हमको फिश का ये धंधा ही जमता है। उसके पहले हमारा स्पोर्ट्स का था, लॉकडाउन में सब चेंजेस हुआ, फिर फिश पे फाइनली आ गए। ओके। तो हमने तो ये सुना था कि आप स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो अचानक में आप यहाँ पे आने का कारण? लॉकडाउन में सब चेंज हो गया था, लॉकडाउन के बाद से स्टार्ट हुआ है। ओके, मतलब ये पूरा सेटअप आपने लॉकडाउन के बाद चालू किया है। तो आपको ये बिजनेस में आने के बाद अभी कैसे लग रहा है, मतलब ये बिजनेस आपको सही लग रहा है या? ठीक है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है पर ठीक है, मेहनत ज़्यादा है। कस्टमर भी कैसे दूर दूर से आते हैं ना, कस्टमर बिल्ड हो गया, अभी धंधा चेंज भी करने का ये नहीं चाहता। अभी ड्राई फिश भी चालू किया, ड्राई फिश भी मिलता है उसमें, और आपको रेट और क्वालिटी अच्छा भी रहेगा अपने पास, रेट भी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगा, और एक पीस से एक पीस भी मिलता है हमारे यहाँ। ओके। अभी इनके कस्टमर भी बहुत से ज़्यादा है। और हम मैंने आपको जो दिखाया, जो बम्बई जाने वाला और वाशी जाने वाला रोड है, उसी के बाजू में ये दीवा गांव का जो कमान है, उसी के अंदर आप एंट्रेंस करते ही दादा का ये एक्वीरा फिश सेंटर आपको दिखेगा। तो चलिए दादा से अभी रेट के बारे में पूछते हैं। रेट फिक्स नहीं रहता है, ठंडी में और बारिश में रेट्स का भाव डबल हो जाता है। समुंदर वाला फिश जो मीठे पानी में रहता है, जैसे लेक फिश है, उसका सेम रेट रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो अभी जो समुंदर वाला है उसका रेट डबल चल रहा है। ओके।
जो समंदर का फिश है उसका रेट चेंज होते रहता है मार्केट के हिसाब से, और जो अपने मीठे पानी का स्वीट वाटर का जो मछली रहता है उसका थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन इसके रेट में बहुत फर्क है, आसपास 10-20 रुपए उसके ऊपर नहीं होता। ओके ओके, चलिए फिर आज का रेट हमें बताएंगे दादा। ये बासा है 170 रुपीज के जी। ओके, बासा फिश 170 रुपीज के जी। और ये रूपचंद, ये रूपचंद है, चाइनीज पापलेट भी बोलते हैं उसको। Okay. और फिर मच्छी भी देखना कितना फ्रेश रहता है, एकदम गावड़ी भी चेक कर सकते हैं, रेड रहेगा तो भी गावड़ी नहीं चेक करना चाहिए, कलर मारते अपना अपन प्योर रहता है, प्योर चमक okay. पे देखने का मच्छी का, जो इसमें चमक रहा है मच्छी, हाँ। कोई भी मच्छी लो सब चमकेगा मच्छी। ओके okay. ये मीठे 200 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है कटला फिश। ये रोहू 190 kg, ये रोहू फिश है 190 kg। ये टारली, टारली फिश 240। समुंदर का फिश चालू हो गया यहाँ से, अभी यहाँ से अपना समुंदर का फिश चालू हुआ, ये जो के टारली दिखाया, ये बॉम्बेल है, बॉम्बेल आज 400 kg है, कल 300 था आज 400 हो गया। ओके, बॉम्बेल का आज का रेट है 400 रुपए केजी। कम से कम 10-12 पीस आते हैं बड़े साइज के, तो छोटा साइज है मीडियम साइज, किलो में 10-12 पीस आएंगे, और ये बड़ा साइज है, देखिए बॉम्बेल 400 रुपए केजी। ये बांगड़ा 240 रुपीज केजी, 240 रुपीज केजी बांगड़ा फिश। टारली कल 80 रुपये था, आज 160 रुपये किलो है, ये जो टारली है 80 रुपये केजी था, और आज का रेट जो है 240। ओके, 180 से अभी 240 है। अरे मांदली है, ये मांदली है, मांदली कल 80 था आज 160 kg। ओके, कल 80 रुपीज, मतलब ये डबल रेट हो गया है। ये प्रॉन्स है, फार्मिंग कर रहे थे, ये फार्मिंग का प्रॉन्स है, देखिए चार वैरायटी रहते हैं, एक ये है, ये 560 kg है, ये 560 kg का एक वैरायटी हुआ, और दूसरी है ये समुंदर वाला है, ये समुंदर वाला है, तो 360 kg, 360 रुपीज़ केजी है। और ये 480 रुपीज़ केजी है, 480 रुपीज़ केजी, और ये 600 है, और ये 600 रुपीज़ केजी है, देखिए एक किलो में 20 पीस आता है, बड़ा साइज एकदम, 1 किलो में 20 पीस आएगा, सबके पास रहता है, वो रहता है 60-30 पीस वाला रहता है, ये बड़ा रावस फिश, इसको कैसे दिया 900 रुपये किलो, 900 रुपये केजी, गर्मी के टाइम में आधा प्राइस हो जाता है इसका, 500-600 kg रहता है। ये रानी है 300 रुपीज़ केजी, बड़ा 300 रुपीज़ केजी, देखिए कितना बड़ा साइज है रानी का, थोड़ा सा रेड स्नैपर अभी इतना ही रह गया, पूरा खत्म हो गया, 8 किलो का था, ये छोटा सुरमई है, बेबी सुरमई कैसे दिया ये 700 kg, 700 kg है, कैसे है 1400 रुपये, 1400 kg। ओके, 1400 रुपये केजी है, 1400, एकदम फ्रेश माल है, हलवा 900 रुपये किलो है आज, 900 रुपीज़ केजी है, देखिए 900 रुपये केजी है, बड़ा साइज है, और ये छोटा साइज है पापलेट 1100 है, कैसा है 1100 सुरमई 800 रुपये किलो, 800 रुपये केजी सुरमई, 800 रुपये किलो, ये सब डबल प्राइस रहता है, ये 400-300 रुपये किलो रहते हैं, अभी आज 800, आज 800 रुपये केजी है इसका, किलो में 15-20 रुपये, किलो में 15-20 पीस आएंगे इसमें, स्लाइस स्लाइस का ये 1000 रुपये केजी में देते हैं, फूल रहेगा तो कम करेंगे, ये बहुत मेहनत है, देखो ये बिजनेस करना मतलब कुछ छोटा काम नहीं है, जैसे कि ये दादा जो है ये मच्छी अलीबाग आंध्रा उत्तन अरनाला ये साइड से ये पूरा फिश आते रहता है, और आप देखेंगे ये गाड़ी से तो फिश लाते हैं वो लोग सवेरे ला के जाके, और यहाँ पे आज अभी कुछ दिनों में ये शॉप भी उनका चालू हुआ है, देखिए एक वीरा
फिश सेंटर, जहाँ पे ये स्टॉल लगाते थे उसी के बाजू में इनका भी ये शॉप चालू होने वाला है ये बिल्डिंग में। तो ये जो फिश मार्केट है ये ऐरोली में, और बाकी आपको एड्रेस का लोकेशन तो मैंने बताया है, लैंडमार्क बताया है। अगर ऐरोली के आसपास वाले जो लोग हैं वो कभी फिश लेने को उनको आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर है भावेश, आपने देखा यहाँ पे वो ड्राई फिश भी बेचते हैं। चलिए ड्राई फिश के रेट भी पूछते हैं हम। तो दादा हमें ड्राई फिश के बारे में भी थोड़ा जानकारी देंगे तो अच्छा होगा। ड्राई फिश अलीबाग साइड से आता है, ड्राई फिश का मार्केट पूरा माल जो है वो अलीबाग से आता है। ओके, थोड़ा रेट में बता सकते हैं आप? बगला कर दी दोनों अभी ये आज 500 है, कल रेट इसका कुछ एक हफ्ते पहले 400 रुपये था, इसके पहले 300 था। आज का रेट 500 रुपये और रेट फिक्स नहीं रहता है। और ये आता है अलीबाग से, छोटा पैकेट की तो 50 वाला भी है, देखो हाथ इतना पैकेट आता है, और ये इतना 20 वाला भी पैकेट आता है। ये इनके पूरे आखिरी मसाले हैं, 500 रुपये है, इनके रेट भी लिखे हुए हैं, 1000 रुपए किलो चला था, 20 रुपए 50 रुपए, जैसे आप क्वांटिटी लेंगे उस हिसाब से उन्होंने रेट भी लगाए हुए। ये पूरा आखिरी कुल बनाया हुआ मसाला, ये घर पे ही बनाते हैं ये लोग, टेस्ट कलर सब में यूज कर सकते हो आप। ओके, फ्रेश चिकन, वेज नॉन वेज, ग्रेवी फ्राई, और उनका ही खुद का ये मसाला उन लोग घर में ही बनाते हैं। अभी ये सोडा ओरिजिनल सोडा मिक्स नहीं करते, 2000 रुपये किलो है, 2000 रुपये के जी का ये सोडा है। छोटा पैकेट 100 वाला भी पैकेट आता है, बॉम्बे बॉम्बे हो गया, ये सुरमे का पीसेस है, सुरमे का पीसेस है, ये अक्का ची वहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए सुरमई, ये अक्का है और उन्होंने जो दिखाया वो पीसेस है। भांगड़ा फिश 20 रुपीस का बोम्बिल का पैकेट है, आधा किलो का पैकेट है, ये हाफ के जी का पैकेट है, ये हाफ के जी का है। वाटा लगाओगे ना, वाटा से कम 100 वाटा बनेगा, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, 50-50 में मिलता है। ओके, 250 रुपये का पैकेट, कितने के जी का ये? हाफ के जी का, ये हाफ के जी का पैकेट है, 250 रुपये कर दी सुपर, ऑरेंज ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का है, डांडी है, डांडी सुकट कैसा है ये पैकेट? ये 150 है, ये 150 रुपीस का पैकेट है डांडी, ये देखो ये छोटा है उससे 50 रुपीस, 20 रुपीस, ये मांदेली का पैकेट, मांदेली 20 रुपीस, ये देखिए ये वाकटी सुकट है, बड़ा वाकटी, ये कैसे दिया? ये किलो है, किलो इतना आएगा, किलो ये किलो में देखो इतना, ये पूरा किलो का ही है, 600 रुपये के जी, ये छोटा वाकटी है 50 रुपये का पैकेट है। ये देखिए ये अपने खुद के हाथ से यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे आपको निकालना है उस हिसाब से आप लेके यहाँ पे इसका वज़न किया जाता है, और ये काका है ये उधर क्लीन करके भी देते हैं फिश को। ये थर्माकोल का बॉक्स भी बेचते हैं दादा, ये मतलब ये बॉक्स किस लिए यूज़ होते हैं ज़्यादा करके? ट्रैवलिंग के लिए जाने का रहे, काम आ जाता है। ओके, अगर हमको मच्छी फ्रेश रहते हैं। ओके, अगर आपको लंबे ट्रैवल पे जाना है और फिश वगैरह लेके जाना है तो ये 24 आवर्स तक इसमें मच्छी एकदम अच्छा रहता है। 300 का 200, ये देखिए बड़ा वाला जो है 300 है, और ये 200 का, ये 10 केजी का है, ये 5 केजी का, 6 केजी, और ये जो बड़ा वाला है ये 10 केजी का है, और ये छोटा जो है वो 6 केजी का है। तो दादा आप ये अगर कोई ऑनलाइन मंगाता है तो ऑनलाइन सिस्टम में नहीं, तो आपको यहाँ पे शॉप पे आना पड़ेगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जो डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको लिख के देता हूँ, दादा से कभी कॉन्टैक्ट करना रहेगा तो कर सकते हैं, और एड्रेस भी मैंने आपको लिंक में शेयर किया, डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो चलिए दादा से मिलके बहुत खुशी हुई, दादा आपके फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट,
चलिए मिलते हैं। तो ये है इस एक्विरा फिश सेंटर के ओनर भावेश दादा। तो आपको आगे आना है तो इनसे कांटेक्ट कीजिए, बाकी सब डिटेल मैंने वीडियो में बताई हुई है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और ये आपको वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर और जो व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।